One of the important question right now, post lockdown especially, is Assured Return a scam? क्या ये कोई पोंजी स्कीम है जो कभी सुनी गई है, जो पहले कभी हिस्ट्री में हो चुकी है कि Assured Return ले लो, पैसे ले लो और डेवलपर भाग जाएगा, लोगों को रिटर्न नहीं आएगी और ये एक महीना, दो महीना, तीन महीना या एक साल दे देंगे, उसके बाद नहीं दे जाएंगे, उसके बाद डेवलपर बोलेगा जी मैं तो नहीं देता। तो ये ना एक मिथ है, इसको आज मैं रिजॉल्व करना चाहता हूँ। और आपको ये भी समझना है कि हर डेवलपर, हर बिल्डर, हर ह्यूमन बीइंग एक जैसा नहीं होता। वी हैव अ वैरायटी ऑफ पीपल इन द कंट्री। फ्यू बैड एप्पल्स कैन रून द इंडस्ट्री। यही रीजन है, ये मैं वीडियो आप सबको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे से बहुत सारे इन्वेस्टर्स पूछते हैं क्या ये Assured Return आ जाएगी, क्या मुझे रेंटल टाइम से आएगा, कि डेवलपर भाग तो नहीं जाएगा, काम रुक तो नहीं जाएगा। तो इसका आंसर कभी सॉलिड येस या सॉलिड नो नहीं हो सकता। क्या हो सकता है आपको ये समझना है। अगर एक डेवलपर को एक प्रोजेक्ट को फाइनेंस कराना है जिसमें लैंड उसकी अपनी है, बट वो चाहता है कि कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट मैं मार्केट से रेस करूं, तो उसके पास ऑप्शन है बैंक लोन, प्रोजेक्ट लोन, NBFC या क्राउडफंडिंग। इन हिस्ट्री क्राउडफंडिंग हैज बीन द मोस्ट ल्यूक्रेटिव। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर को कभी आपको प्रिंसिपल पैसे वापस नहीं करने, ऑल ही हैज टू डू इज डिलीवर द प्रोजेक्ट। नंबर टू, ही डजंट नीड टू गिव एनी कोलैटरल। उन्होंने आपको प्रॉपर्टी के पेपर दे दिए, आपसे एक पेमेंट प्लान बना लिया, उस पर आपने एडवांस पेमेंट दे दी, उसकी रिटर्न जा रही है, कोलैटरल की जरूरत ही नहीं है। एंड थर्ड, डेवलपर लाइक्स इट कि मैं NBFC को क्यों 20-22% बैंक फाइनेंस दूं इंटरेस्ट पे, Why don't I give this advantage to a property investor? और मैं उनको 10-12% Assured Return दे दूं। इन्वेस्टर को भी फायदा क्योंकि उनको 12% कहीं नहीं मिलता, प्रॉपर्टी बिल्डर को भी फायदा क्योंकि उनको कोलैटरल नहीं देना पड़ा, प्रिंसिपल नहीं देना पड़ा, एट द सेम टाइम मार्केट से पैसे दे दोगे। इट्स अ विन विन। अगर दोनों पार्टीज, डेवलपर एंड इन्वेस्टर खुश रहेगी तभी ये सक्सेसफुल रह पाएगा। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, Not every developer is the same. There are some who gives return as promised. There are some who negotiates, but there are some who have always been defaulting. I recommend a good investor should follow a good advisor, जो past track record देखे, delivery record देखे और आगे की planning की commitment की developer को understanding दे। बट आप वेगली ये नहीं बोल सकते Assured Return is a scam, it's been very successful, lot of investors I know have made a fortune with Assured Return.